देश के विभाजन से खड़ी होने वाली समस्याएं और समाज में व्यापक असमानता और गरीबी गणतंत्र देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इन सबसे निजात पाने और सिस्टम को चलाने के साथ ही गणतंत्र की स्थापना के लिए भारत का संविधान बना, जिससे देश का सिस्टम चलाया जा रहा है। इसके साथ ही विकास की प्रक्रिया और कानून पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना संभव हो सकी। पिछले सालों में इन सभी प्रक्रियाओं को मजबूत होना चाहिए था, परंतु जो कुछ हुआ है काफी हद तक उसके विपरीत ही है। व्यापक विकास हुआ, लेकिन गणतंत्र की कामयाबी का मापदंड कहीं खो गया। दुर्भाग्यवश जनहित का विचार व्यापक रूप से पीछे खिसकता गया है। सच तो यह है कि जनहित की आवाज आज व्यक्तिगत हितों में समाती जा रही है। सवाल यह भी उठता है कि अगर भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, महिला सशक्तिकरण और मानवाधिकार पर जोर दिया गया है, लेकिन अब यह अवधारणा गौण होती जा रही है। जाति और धर्म की राजनीति परवान पर है तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज भी कुछ लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं और अब तो अभिव्यक्ति की आजादी भी हाशिए पर है। किसी भी कामयाब गणतंत्र के लिए जिन मूल्यों को आगे बढ़ाना जरूरी होना चाहिए, उनका विवरण संविधान में विशिष्ट रूप से दिया गया है। आज ये सारे मूल्य केवल कागज पर रेखांकित कुछ शब्द रह गए हैं। समाज को तो छोड़िए, राजकीय प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने से भी ये स्पष्ट है कि हम संविधान मूल्यों को कोसों दूर छोड़ आए हैं। संविधान की स्थापना जिस भेदभाव को दूर करने, मूल्यों पर आधारित कर्तव्य और अधिकारों की विवेचना की गई है, उसमें हम केवल अधिकार परस्त होते जा रहे हैं। सिस्टम में देश के संचालन के लिए जो तीन स्तंभ खड़े किए गए थे, आज की स्थिति में इनके फैसलों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। लिहाजा साफ है कि कहीं ना कहीं गणतंत्र में विश्वास की कमी होती नजर आ रही है, जो कि उचित नहीं है। हम बेशक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाकर आजादी के उन सितारों को याद कर उनकी शहादत को सलाम करते हों, लेकिन आज उस सैल्यूट से भी ज्यादा जरूरी है उनके सपनों को बनाए रखना, यानी कि गणतंत्र में विश्वास कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज़। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा नारी जो एपिसोड आता है उसकी जगह गणतंत्र दिवस पर जो हमारा एक महिला से जुड़ा खास एक ये कह सकते हैं कि पहल, एक कार्यक्रम, उसके तहत हमारे साथ जो अपना एक क्षेत्र में अपना प्रभाव रखती हैं कुछ चीजों को लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे कि आजादी के मायने तो होते हैं लेकिन गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं उसके अलावा उसका कोई अपना एक मकसद था। हम कितने खरे उतर पा रहे हैं, कहां हमारे को इतने अधिकार मिल पा रहे हैं और केवल अधिकार ही मिल पा रहे हैं तो हमारे कर्तव्यों का भी ध्यान रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। लेकिन हमारे साथ जो नारी का एक मुद्दा है उसी को जोड़ करके हम आज इस पर चर्चा करेंगे और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी हैं, अनुश्री स्टूडेंट हमारे साथ में हैं, जयपुर की पूर्व महापौर शीलदाबाई जी हमारे साथ हैं, शालिनी शर्मा जी हमारे साथ में हैं, निशा पारिक जी हमारे साथ में हैं और पूजा छाबड़ा जी हमारे साथ में हैं जो शराब बंदी आंदोलन को लेकर के काफी आप सक्रिय हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित्रा सिंह जी के पास जाना चाहूंगा सबसे पहले और जानना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस 70 साल पूरा कर चुका है, 71वें में हम प्रवेश कर रहे हैं। जो मायने थे देश में संविधान लागू करने के, हम कितने खरे उतर पा रहे हैं उसमें? जी मैडम, ऐसा है कि मैं ही इस बारे में सबसे पहले बोलूं जी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो समय भी एक्सपीरियंस भी आप ही को ही है। मैंने वो समय भी देखा है जब एक, जिसे कहना चाहिए गणतंत्र के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर, हमने जिस गणतंत्र को स्वीकार किया था उसके मुताबिक बहुत सी, जिसे कहना चाहिए, ऐसी चीजें थी अपने लोगों ने, जिसे कहना चाहिए एक स्टैंडर्ड बना रखा था, लेकिन आज तो बिल्कुल ही, जिसे कहना चाहिए, सब चीजों का मटिया मेट हो रहा है। बड़ा अफसोस होता है क्योंकि मैंने तो वो समय भी देखा है, इंदिरा जी को देखा, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू को देखा, यहाँ मोहनलाल जी सुखाड़िया के राज को देखा, हरदेव जोशी को देखा, भैरव सिंह जी शेखावत को देखा। तो अब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है हमें। बजाय हमारे डेमोक्रेसी को, गणतंत्र को, इसे कहना चाहिए मेच्योर होने की बजाय और अच्छा होने की बजाय कही जा रहा है जी। तो गण और तंत्र, गण बचा हुआ है कि तंत्र, या दोनों ही बचे हुए हैं अभी? तो गण तो है मौजूद, गण तो क्या करेगा, गण तो है ही। सवाल आप तंत्र पे खड़ा कर रही हैं। सही बात है, तंत्र जी। चलिए मैं पूजा छाबड़ा जी के पास में जाना चाहूंगा। पूजा जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, अभी से मेरा मतलब है कि हमें इक्वलिटी की बात संविधान कहता है, संविधान ये भी कहता है कि कोई निरंकुश ना हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण रहना चाहिए, ग्रास रूट से हमारी चीजें हैं और अगर कोई वंचित है उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये एक जो इसकी डेप्थ थी, संविधान को लागू करने का जो मकसद था उसके पीछे उद्देश्य भी यही था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साल पहले, 70 साल पहले जो सोच भविष्य को दृष्टिगोचर करते हुए, देखते हुए कि हाँ भविष्य में इन चीजों की इस तरह से आवश्यकता हो सकती है, अगर एक ही जगह हम सत्ता स्थापित कर देंगे तो निरंकुशता आ सकती है, तमाम चीजों को देखा गया था। आज बात समानता की है और अधिकारों की है, जिसको लेकर के मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या नजरिया है इसके। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और आपके चैनल के माध्यम से जो आज गणतंत्र दिवस की परिभाषा पूछी जा रही है उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। जो आपने सवाल किया है कि आज वर्तमान में गणतंत्र दिवस के क्या मायने हैं, वो मायने आजादी को लेकर है कि आज जो आजादी, महिलाओं के प्रति जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन वो एक समान अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। आज आजादी का मायने शून्य रह गया है। आज भी हमारे देश में जहाँ कन्या पैदा होती है वहां पे दुर्भाग्य समा जाता है और हर समय हर कन्या का गुण कन्या हत्या की जाती है। बेटी जहां पैदा होती है वहां दुर्भाग्य समा जाता है। आज भी आए दिन बलात्कार, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, आए दिन देखिए आप जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो महिलाओं के साथ हो रही है। एक तरफ कहा जाता है कि महिलाओं को और पुरुषों को एक समान अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी वर्तमान समय में महिलाओं को कोई पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जहां पे बलात्कार होते हैं वहां पे बलात्कारियों को सजा देने में 15-15 साल लग जाते हैं, लेकिन अभी तक उन महिलाओं को उनके हक नहीं मिल पा रहा है। तो गणतंत्र दिवस पे हम ये चाहते हैं कि हमें सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं पे जो शोषण हो रहे हैं वो हिंसा कम होनी चाहिए। बिल्कुल ये है, लेकिन ये देखिए एक पीड़ा सभी की है, पूरे समाज की पीड़ा है कि आपने जो जिक्र किया कि रेप केसेस में, क्योंकि विक्टिम आप निर्भया के केस का भी आप जिक्र कर रही हैं कि इतना दरिंदगीपूर्ण केस और उसके बाद में आज तक उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा। डिस्पोजल तो वहां फांसी की सजा भी मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन जो डिले हो रहा है वो सबकी पीड़ा है। ये मैं आपसे सहमत हूं इस बात को लेकर के। मैं अनुश्री के पास में जाना चाहता हूं। अनुश्री, युवा भारत है हमारी, ये ब्यूटी कही जाती है इसको कि आज क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, भारत अपने यूथ ब्रिगेड के लिए भी जाना जाता है और युवा देश कहा जाता है आज भारत को। तो आज अवसर की बात है, अवसर को लेकर के क्या माना जाए? अभी गणतंत्र दिवस है हमारा, अनाउंसमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन जिस मायने में क्या अगर आज हम उस हुनर को, आज उस योग्यता को बुना पा रहे हैं? कुछ हद तक नहीं। जैसे मैं बात करूं, अगर अवसर मिलते हैं तो वो कंपटीशन बेसिस पे मिलते हैं जहां महिलाएं अपनी योग्यता दिखा पाती है, लेकिन बात आती है समानता की कि आप मेल और फीमेल में कितना अंतर रखते हैं। आज भी देखो तो हमारी वही परंपरा चलती आ रही है कि हम आगे नहीं आएंगे। तो बेसिकली समाज को ये सुधरने की, समाज में जो ये मेंटलिटी को सुधारने की जरूरत है कि नहीं, महिलाएं भी आगे बढ़ सकती है। और महिलाएं क्यों नहीं बढ़ सकती? जहां हमारे महिलाओं के अधिकार दे रखे हैं, तो महिलाओं को भी, जो हमारी पहली सीढ़ी है वो यही है। दूसरी बात ये कि जो ये समाज सोच, अगर हम कंपटीशन बेस की बात करते हैं तो महिलाएं हर जगह आगे, बैंकिंग सेक्टर को ले लीजिए, खेलों में प्रतिभाओं को ले लीजिए, हर चीज को ले लीजिए, लेकिन अगर समाज के आगे बढ़ाने की बात आती है तो समाज कहीं ना कहीं महिलाओं को रोक देता है। वो क्यों रोक देता है? तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर मानसिकता सुधारने की जरूरत है। आज महिलाओं को क्यों देह और नुमाइश की दृष्टि से देखा जाता है? क्या महिलाएं और कुछ नहीं कर सकती? सामाजिक स्तर पर महिलाओं को सुधरने की जरूरत है कि महिलाएं भी आगे बढ़ेगी। मैं अनिशा जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बात इक्विलिटी की भी हो रही है, राइट्स की बात हो रही है, समानता भी एक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी आपका अधिकार है, लेकिन हम बात अधिकारों की कर रहे हैं। कई बार ये भी चर्चा होती है कि अधिकारों के आड़ में हम बेजा उस वक्त का प्रयोग करने लग जाते हैं कि हम ये रखते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी एक लिमिट भी तय करती है। अब सोशल मीडिया का वक्त है, IT का युग है, बहुत बार ये बात कही जाती है कि आजादी है अभिव्यक्ति की, आपको अधिकार है अपनी बात कहने का, लिखने का, सुनने का, बोलने का, लेकिन ये भी नहीं है कि कुछ उसका ज्यादा हम प्रयोग करने लग जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि नहीं ये तो मेरा अधिकार है। देखिए, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। दूसरी चीज ये है कि अति सर्वत्र वर्जित है, हम शुरू से जानते हैं इस चीज को। अति किसी भी चीज की खराब होती है, बुरी होती है, चाहे वो विचारों की अभिव्यक्ति है, चाहे हमारे अधिकारों की अभिव्यक्ति है, चाहे हमारे किसी भी प्रकार से हम जो काम करते हैं। आपने कहा कि IT का आज समय है, बिल्कुल IT का समय है, लेकिन क्योंकि आप चैनल के माध्यम से बात पूछ रहे हैं तो हमसे ज्यादा आप इस बात को जानते हैं कि कितनी न्यूज आज फेक चल रही है और कितनी न्यूज सही चल रही है। क्योंकि हम समाज में समानता की बात कर रहे हैं, समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे विचारों की जो अभिव्यक्ति है उसमें हम कितना सही उसको प्रयोग कर रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जहां हमारे संविधान की हम बात कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो जानकारी हम दे रहे हैं, क्योंकि IT की ही मैं बात कर रही हूं अभी केवल, कि बहुत सारी, अगर 100 न्यूज चल रही है तो 100 में से मान लीजिए कि 75 जो है वो फेक न्यूज चलती है। इसके माध्यम से हमारी जो 100 अगर खबरें दिखते हैं तो 75 फेक चल रही है। अगर सोशल मीडिया की, आप केवल IT की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर सोशल मीडिया पर आज जो खबरों की बात है उसमें बहुत सारी ऐसी फेक खबरें आप देखते हैं जो कि न कहीं अखबार में प्रकाशित हो सकती है, बिल्कुल, और न ही किसी TV चैनल पर दिखाई जाती हैं, लेकिन फिर भी वो इतना जबरदस्त जोर पकड़ती हैं कि पब्लिक के अंदर उसमें उसको लेकर इतनी ज्यादा गलत भावनाएं आ जाती हैं और पब्लिक उसके पीछे उसको फॉलो भी करती है और बहुत से गलत निर्णय भी ले लेती है। तो इस चीज पर क्या कहीं से कि आजादी का दुरुपयोग है? बिल्कुल, आप अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि आईटी की बात करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं महिलाओं की, क्योंकि आज महिलाओं पर ही चर्चा है, संविधान पर चर्चा है, तो एक बार को तो हम कहें कि हमने चांद पर कदम रख लिया है और महिलाएं समानता की अधिकारी हैं, लेकिन उस समानता का अधिकार कहाँ खो जाता है जब एक बच्चियों के साथ में न्याय नहीं होता है, महिलाओं के साथ में न्याय नहीं है। आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें बहुत से संघर्ष करने पड़ते हैं। गाँव ढाणियों के अंदर आज शिक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं है और इस आधुनिक युग के अंदर बिजली पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। वहां हम अगर संविधान और अधिकारों की बात करें तो शायद कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम पूरी तरह आज भी अपने संविधान, अपने अधिकार और हमारे नियमों का हम पालन आज भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हम उन ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहे हैं जिन्हें 70 साल के बाद हमें ले लेना चाहिए था। क्यों तो कहा गया था कि देश की आत्मा गाँव में बसती है। किसान के लिए भी कहा गया कि किसान अन्नदाता है, लेकिन आज भी आजादी के इतने साल बाद, और बात अगर संविधान की करें क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम को लागू करने के लिए, उस तंत्र को चलाने के लिए एक ग्रंथ बनाया गया, उसको संविधान दिया गया नाम, ताकि हर व्यक्ति उसे बंधा रहेगा और उसी के लिहाज से जो स्तंभ हमारे तैयार किए गए वो काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो मैं तो महिला पुरुष के भेदभाव की यहाँ चर्चा हो रही है, उससे भी आगे जाना चाहूंगा कि आज तो गाँव और शहर के ही भेदभाव की बात हो रही है। संविधान ने तो ये कहा था कि गांव के विकास को आपको ध्यान रखना है, लेकिन ओवर क्राउडेड हो रहे हैं सिटीज और गांव में लोग पलायन कर रहे हैं। कोई तो वजह होगी, वहां संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है। संविधान तो ये नहीं कहता था कि आप केवल शहरों पे फोकस करोगे, गांव पे नहीं करोगे। मैं इससे इनकार भी नहीं कर रहा कि गाँव में फोकस नहीं किया गया। जब ही निशा जी ने उठाया सवाल कि गाँव में स्थिति देखिए आप, स्कूलों की क्या पोजिशन है, तो ये वह चर्चाएं हैं कि वास्तव में एक कुछ दिन पहले तक बड़ी विडंबना थी कि स्कूल्स में टॉयलेट नहीं थे। हम इतने साल बाद में, अभी तो जेंडर इक्वलिटी की बात तो बहुत बात की है, तो संसाधन वैसे चाहिए जो नहीं हो पा रहे थे। मैं मेयर साहिबा के पास में जाना चाहूंगा, शील जी आपके पास आना चाहता हूं मैं। जेंडर इक्वलिटी की बात तो की जा रही है, अभी अवसरों की भी बात की जा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान लागू हुए भी 70 साल हो गए और आज भी हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि आज भी समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है? योगेंद्र जी, 70 साल पहले संविधान निर्माताओं ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए और आने वाले समय में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया था। आज आपने बहुत अच्छा विषय छोड़ा है कि हम देखें कि 70 साल में हमारे संविधान में जो लिखा उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं। रोज आप देखने को मिलता है, संसद में भी कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज यूनिवर्सिटी में भी कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इतने हजार। आज जय हिंद बोलने पर लोगों को परेशानी होती है। भारत, ऐसा लगता है कि भारत माता की जय बोलने में भी लोगों को बहुत, कहना चाहिए कि बहुत मुश्किल से ये शब्द निकलते हैं और ये कहा जा रहा है फिर से कि भारत माता की जय, भारत माता, भारत हमारा देश महान है। लेकिन जब हमने जो संविधान में सर्व धर्म समभाव की बात की थी, लेकिन आज धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, राज्य के नाम पर, भाषा के नाम पर अगर नजर डालें तो लगता है कि देश कहीं ना कहीं ऐसा डिवाइडेशन की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखा ना जिस तरह से, देखिए हाँ। मैं जो बता रही हूँ कि जिस परिस्थितियों के अनुसार संविधान में लगभग 103 संशोधन हो चुके हैं और जो मांग के 126वां आरक्षण को लेकर के 10 साल का जो बढ़ाया गया है, तो वो बाकायदा संविधान संशोधन करके 126 संशोधन हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने भी पड़ते हैं। अभी आप देखिए जस्ट जो 370 धारा तो उसमें संशोधन किया गया। लोगों ने इसके खिलाफ भी बहुत, एक तरह से कहना, आंदोलन चलाया, जबकि किस तरह से पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए इसमें संशोधन किया गया, समय की आवश्यकता को देखते हुए करा। अभी जब CAA का जो संशोधन किया जा रहा, नागरिक संशोधन, इस पर भी लोग जिस तरह से तूफान मचा रहे हैं, जिस तरह से जो कहना चाहिए। मेरा एक सवाल है यहाँ पे। सवाल ये है कि देखिए, दो बातें होती हैं। देश में सरकारें बनती हैं चुनी पार्टियों के पार्टियां हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट सरकार नहीं हो सकती, पार्टियों की बनी ये लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है। पार्टियां फॉर्म हुई, उसके बाद में उसके सदस्य कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनती है, केंद्र में सरकार बनती है। लेकिन सरकार जब बनती है उस सरकार का मकसद देश होना चाहिए, इंडिविजुअल कोई हित नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट हो चाहिए। और जहां पे ऐसी चीजें बनना शुरू होती हैं या फिर सामने वाले अगर विपक्ष में कोई है उनको लगता है कि हमारे हित में नहीं है, देखिए टकराव वहां होता है जब हित टकराते हैं। हित नहीं होना चाहिए, हित देश का होना चाहिए, कोई भी हो। जो स्थितियां आप जितना जिक्र कर रही हैं आज राजनीतिक दलों के लिए ये हित साधना ये हो सकता है, आम जनता को कोई सरोकार नहीं है। हर व्यक्ति देखता है कि मेरी रोजी रोटी चलनी चाहिए, मेरे बच्चों की एजुकेशन ठीक होना चाहिए, हेल्थ की सुविधाएं ठीक होनी चाहिए, मेरी जो सड़कें बनी हुई जिसको मैं टैक्स दे रहा हूं वो सड़कें ठीक से, मेरे संसाधन और सुविधाएं मुझे ठीक से मिलनी चाहिए। नहीं देखिए योगेंद्र जी, आपने सही कहा, देश हित से ज्यादा वोट हित की राजनीति ज्यादा हावी होगा। बिल्कुल देखिए, मैं तो कहूंगा ये हितों का टकराव है। नहीं देख, वही मैं बात कर रही हूँ कि ये सोच किस तरह बदल गई है कि आज जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने देश हित को परे रखकर अपने निजीगत स्वार्थों की खातिर देश को, मतलब कहना चाहिए कि देश की एक ऐसी इमेज विश्व में प्रस्तुत की जा रही है जिससे लोगों को लगता है कि भारत में अशांति नहीं है। इसका प्रभाव आप देखिए कि जो हमारा व्यापारिक संबंध है उनमें भी पड़ रहा है, जो पर्यटन विभाग है उसमें भी हमारा इस पर प्रभाव पड़ रहा है। विदेश से लोग आने में ये हिचकिचाहट महसूस करते हैं, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमारी आर्थिक व्यवस्था की किसी को परवाह ही नहीं है। अगर देश में अशांति रहती है तो ये होने चाहिए। बिल्कुल, ये वही बात मैं कर रही हूँ कि जो अब देखना चाहिए कि हमारे रोजगार, बेरोजगारों को हमें रोजगार देनी है। ऐसी स्थिति में बाहर से कंपनियां कैसे आएंगी, वो कैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी? तो ये अपना निजी स्वार्थों के लिए आज जिस तरह से ये पार्टियां रिएक्ट कर रही है, मैं समझती हूँ कि ये संविधान का, कहना चाहिए एक तरह से मखौली बना रहे हैं, संविधान की धज्जियां ही उड़ा रहे हैं। आज फिर सीए पर दोबारा मैं आती हूँ कि जिस तरह से ये सीए लेके आया, इसका लोग विरोध कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जिस तरह से ये विरोध किया जा रहा है, बिल्कुल संविधान के और इस देश के हित में नहीं कहा जा सकता। या सीए या विरोध। अच्छा, मैं शालिनी जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। मैडम, गणतंत्र दिवस हम चर्चाएं बहुत सारी करते हैं और हर बार ही होती हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी बात है कि टीका तब लगवाते हैं जब बीमार होते हैं, तो हम चर्चाएं भी तभी करते हैं। लेकिन ये रोज जीने के लिए संविधान बना है। हमारा जो जीवन है, जिस तंत्र पे टिका हुआ संविधान है। आज हम सुबह निकल करके चलते हैं, हम जो काम करते हैं, अगर हम किसी को लाइट नहीं आ रही, लाइट के लिए भी फोन करते हैं, सारी चीजों के लिए इस तंत्र में बना हुआ है सारा सिस्टम। वह संविधान के तहत हम गवर्न हो रहे हैं। क्या मायने अभी जी? सबको 71वें गणतंत्र की शुभकामनाएं। एक ये महापर्व है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री में रहते हैं और हमारे देश का गणतंत्र, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी नमन करती हूँ कि उन्होंने कितने सोच विचार के, कितने लोगों ने साथ में बैठ के ये गणतंत्र लिखा है। और ये जितना हमारे लिए भागवत गीता इम्पोर्टेंट है या कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, उतने ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और इसकी इज्जत सम्मान सबको करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बोलना चाहूंगी तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भारत के अंदर पैदा हुई, भारतीय हूँ, एक नारी हूँ। यस, जो इन्होंने सब लोग ने कहा कि रेप होते हैं और गलत चीजें होती हैं, दुष्कर्म होते हैं, ये सब गलतियां हैं, पर हमें सोसाइटी की गलतियां नहीं देखनी। अभी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उन्होंने कहा इक्वालिटी फॉर वन एंड ऑल। आज आपको लगता है कि अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी अभी तक। हमारे देश में दलित प्रेसिडेंट बन गए, मुस्लिम प्रेसिडेंट बन गए, वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। ये देश की तरक्की है और इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश में किस चीज की समस्या है? अगर हमारा देश छोड़ के हम कहीं और विदेश में जाते हैं तो वहां पे तो ना कचरा फैलाते हैं, ना गंदगी फैलाते हैं, ना शौच रस्ते पे करते हैं। हमारे देश में क्यों करते हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा, ये हम करते हैं। रेप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये लोगों की मानसिकता है, ये विकृत मानसिकता इंसान की है, तो समाज को बदलना पड़ेगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, आप मुझे उसमें से एक पॉइंट भी उठा के बता सकते हैं कि ये गलत है? सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रीडिंग, फ्रीडम ऑफ राइटिंग अगर किसी भी देश में है, और डेमोक्रेसी, असलियत में डेमोक्रेसी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, अमेरिका भी नहीं, दूसरा कोई देश नहीं जो हिंदुस्तान के आसपास भी आ सकता है। ऑफ कोर्स वो लोग ज्यादा कैपिटलिस्ट हैं, हम लोग नहीं है, बिकॉज उस जमाने में हमारा एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी। आप देखिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में गणतंत्र हुआ, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1950 में। तब की सामाजिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन, हमारी जियोग्राफिकल कंडीशंस, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। और तब भी 70 साल से वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एप्ट चल रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी राइट है कि उसमें अमेंडमेंट्स आने चाहिए, और आते भी रहते हैं। अमेंडमेंट्स को टकराना, उसको नकारना, ये सोसाइटी कर रही है, ये लोग कर रहे हैं, ये आने वाली आजकल की नई नई पार्टियां भी करती हैं। पार्टीज भी दो नहीं रही, एक कांग्रेस में कितने विभाजन हो गए हैं। तो हमारे देश में नुक्स निकालना, तो आराम से बैठ के सब एक नहीं 1000 नुक्स निकाल सकते हैं। आप देश की 10 अगर अच्छाइयां और बड़ाइयां देखें तो हमारे देश जैसा कोई देश नहीं। और यहाँ पे ना औरत को गलत समझा जाता है, ना दलित को गलत समझा जाता है, ना बूढ़े को गलत समझा जाता है, ना बच्चे को गलत समझा जाता है। जो भी हमारे देश में पैदा हुआ है वो सबको वही राइट्स हैं जो आपको राइट्स हैं या जो मुझे राइट्स हैं। जहां तक कि रेफ्यूजी की बात है, कितने देशों के अंदर रेफ्यूजीज ऐसे ही घुस सकते हैं? हमारे देश में दलाई लामा को भी हमने ओपन हैंड्स के साथ एक्सेप्ट किया है। इससे ज्यादा कोई देश कर सकता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश दो डिफरेंट कंट्रीज बन गए, ये उनको भी हमने रिस्पेक्ट ही किया, जो हमारे देश के एक पार्ट था हमारे देश का, उसको भी हमने रिस्पेक्ट किया। और हम अपने ही देश को इररिस्पेक्टफुली बात करें तो मैं ये टोटली गलत मानती। यस, ये जरूर है कि लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं एक ब्रेक लूंगा। यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण से जुड़ी और गणतंत्र दिवस, उसके मायने। चलिए मैं सुमित्रा सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। मैडम, आपका बड़ा एक एक्सपीरियंस है। शायद आप 1957 जो राजस्थान का दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आप एमएलए बन गई थी, तो मुझे लगता है कि पहला लोकसभा चुनाव से लेकर सब चीजें आपने देखी हुई हैं। आप स्टूडेंट थी 52 में, जो मेरी आपसे एक बार बात हुई उसके लिहाज से, बनस्थली में थी शायद 52 के वक्त, आपसे उस वक्त भी आपको ऑफर था चुनाव लड़ सकती हैं आप। लेकिन चलिए, यहां मैं एक बात जानना चाहता हूं, विशील जी ने भी सवाल उठाया कि सरकार एक बार जो चीजें तय कर देती है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं दो बातें जानना चाहता हूं, क्योंकि संविधान से जुड़ा इश्यू है, और क्योंकि सियासत, जब सियासी दल होते हैं तो सियासत होनी है। ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है हमारे देश में कि किसी भी चीज पे रिएक्ट करना कि नहीं ये बिल्कुल नहीं मानेगा, ऐसे क्यों हालात बन रहे हैं? हठधर्मिता है पार्टियों की। दूसरी एक बात और है, अभी जैसा कि मेरी बहन कह रही थी कि नारी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, सही बात है। और वो कह रही थी कि महिला का जहाँ तक सवाल है, महिला यहाँ प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई, जबकि और अभी तक जो बहुत जागरूक मानते हैं अपने आप को कंट्रीज, वहाँ अभी तक नहीं बन पाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये कहते हुए संकोच तो हो रहा है थोड़ा बहुत, कि जो एजुकेशन की शर्त थी चुनाव लड़ने वाले के लिए, उसको हटा करके, और हमें ठीक नहीं, क्योंकि इस समय जो है कई महिलाएं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं वो बन गई, चेयरमैन भी बन गई, और उनके पति तो बैठते हैं और वो जो कुछ कर नहीं पाती हैं। तो ये एक रिट्रोगेटिव कदम जो उठाया सरकार ने, मैं समझती हूँ महिलाएं भी इसके जिसे कहना चाहिए पक्ष में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो महिला पढ़ी लिखी महिला शिक्षित महिला है उसने तो जब कभी उसे मौका मिला है तो उसने तो अपनी जिसे कहना चाहिए योग्यता को साबित किया है। लेकिन जो बिल्कुल अशिक्षित है, क्योंकि मुझे अभी आपने अखबार यदि पढ़ा हो तो अभी थोड़े दिनों पहले झुंझुनू के अंदर एक महिला को उसका उपयोग करने के लिए पैसे निकालने के, पैसे तो निकाले किसी और ने, तो उसके बाप ने जा करके, पिता ने जा करके और अभी आत्मदाह करके और कलेक्ट्रेट के सामने, एसपी के सामने, क्योंकि मुकदमे का कुछ हो नहीं रहा था, उसने आत्मदाह किया। तो मैं समझती हूँ कि ये करके और हमने महिलाओं को एक मुसीबत में और डाल दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए। ये प्रतिगामी कदम है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिक्षा तो कुछ न कुछ जरूरी होनी ही चाहिए महिला के लिए, लेकिन आजकल जिस तरीके से हो रहा है, अभी कह रहे थे तो हमारा संविधान सबसे बढ़िया, सब कुछ इसके अंदर व्यवस्थाएं हैं और सबको बराबरी का हक है, सबको सब तरह का बराबरी का हक है। लेकिन उसके बाद भी जो हालात बन रहे हैं देश के अंदर, वो हालात कोई अच्छे नहीं, इसलिए हमको सोचना चाहिए इस बारे में। हालात किस तरह के हालात की बात कर रहे हैं? हालात इस तरह के हालात हैं, देखिए किसी की भी सरकार हो, कहीं भी हो, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर आज सीएए के, सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई अच्छा थोड़ी हो रहा है। हक तो है ही सबको। इसमें जो कुछ भी जिस तरीके से हुआ है, जो कुछ हो रहा है, अशांति तो देश में फैली रही है ना, इसलिए हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा। महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, ये बात तो सही है, इस समान अधिकार तो हैं। जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि अधिकारों की जहाँ बात आती है कि कहा जाता है कि हम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, रास्ता रोकते हैं तो भी लोगों को लगता है कि हमारे तो डेमोक्रेटिक राइट है। ये कैसा? अभी आप देखिए बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं कि लोग रास्ता रोक करके बैठ जाते हैं, मजबूरन किसी को कहीं से घूमना पड़ता है, जब जचे जो कहीं पे भी कोई रोक करके बैठ जाते हैं। ये क्या है? अधिकारों का दुरुपयोग है, बेजा इनका प्रयोग कर रहे हैं हम, अतिवाद की ओर जा रहे हैं। अधिकार काय के अधिकार हुई है? जब सरकार सुने ही नहीं जी, क्या करेगा कोई? मुझे बताइए, रास्ता नहीं रोकेगा तो क्या करेगा? तो दो बातें कहें कि संवेदनहीनता पनपती जा रही है, इसी वजह से लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, संवेदनहीनता तो पनप ही रही है, इसीलिए लोग सड़क पे उतर रहे हैं, इसीलिए लोग मुखालफत कर रहे हैं। जी चलिए अनुश्री, मैं आपके पास आना चाहूंगा एक बार। यूथ भी कई बार रास्ते रोकते हैं कहीं भी, बिल्कुल जैसे कि कभी किसको रोकना है कहीं पे कि सब ये तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम कभी भी रास्ता भी रोक सकते हैं, ऐसा क्यों? दूसरी बात, हाँ नहीं, दूसरी बात अभी जैसे कह रहे हैं कि सरकारें सुन नहीं रही हैं, तो सरकारों को सुनाने का, कहने का बहुत सारे तरीके हैं, या फिर ये माने कि भरोसा उठता जा रहा है सिस्टम से। देखिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक राइट की बात करें तो ये सबके अधिकार हैं कि अगर हम हमारी बात शांतिपूर्ण तरीके से करें, गांधीवादी तरीके से करें या रास्ता रुकवा कर करें, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं मनमानी चलती है सरकार की कि हम ये नहीं करेंगे। अगर हम सिंपल से एक राजस्थान यूनिवर्सिटी की मुद्दे को भी लेकर आए तो वहां पे भी अगर हम हमारी बात नहीं करते हैं तो हमारी बात फिर भी नहीं मानी जाती है। अगर हम 100 लोगों का भी प्रदर्शन करते हैं कि हमारी बात मानो, हमारी आवाज सुनो, तब भी नहीं मानी जाती है। तो पहली चीज तो ये। अब इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं कि हाँ ये गलत है, तो गलत ऐसे है कि संविधान हमारा बहुत अच्छा है लेकिन कानून के प्रति भय किसी को नहीं है, क्योंकि सजा किसी को नहीं हो पाती है। आज आप छोटे से मैटर को ले लीजिए या बड़े से बड़े हीनियस क्राइम्स को ले लीजिए, कानून के प्रति जब अपराधी के मन में भय ही नहीं है तो वो करेगा, वो अपना राइट भी समझ के करेगा, वो अपनी हर चीज समझ के करेगा। तो जब तक जुडिशरी इतनी लूज चलती जा रही है, अगर कानून तो सख्त है लेकिन प्रोसेस, जैसे उपचार का अधिकार, आप निर्भया वाले केस को ले लीजिए, हाँ मानती हूँ मैं उपचार के अधिकार सबको है कानून के अंदर, रिस्पोंडेंट को भी है, क्लेमेंट को भी है, लेकिन कुछ जिस तरीके के हीनियस क्राइम्स होते हैं इनकी जल्दी सुनवाई की जाए। आप इतना 2012 के केस को अब 2020 आ गया है, कहाँ जी रहे हम? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस स्टेशन की बात ले लीजिए, इजिली FIR दर्ज नहीं करते हैं। अभी मैम बोल रही थी कि आत्महत्या कर ली, तो कहीं ना कहीं सुधरने की जरूरत है। चलिए मैं शालिनी जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा। बात समानता की, इक्वलिटी की बात है, होनी भी चाहिए, मकसद भी यही था संविधान का कि हमारे समानता होनी चाहिए। चलिए अभी भी आरोप लगता है कि पुरुष प्रधान मानसिकता, उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन संविधान में तो नहीं है पुरुष प्रधान मानसिकता। जिन पदों पे जिन लोगों को कानून बनाना है, नियम कायदे बनाने हैं, उन्हें तो संविधान कभी वह तो संविधान नहीं कहता। मैं वही कह रही हूँ कि हमारा संविधान कोई चीज गलत नहीं कह रहा। इक्वालिटी मीन्स 100% इक्वालिटी। जो भी इस देश के अंदर है सबको सामान्य राइट्स हैं, चाहे राइट ऑफ प्रॉपर्टी हो, राइट ऑफ एंसेस्ट्री हो। यहाँ पे लड़की का भी राइट है अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो विडो हो, कोई भी हो। मगर द थिंग इज ये सोसाइटी है, आपको सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा। तो सोसाइटी को संविधान तो एक रास्ता बता सकता है, एक साइट बता सकता है। सोसाइटी तो आपके और मेरे कारण है, हम लोग सोसाइटी बनाते हैं। दूसरी बात जो मुझे सवाल हो रहा है आपसे यहाँ पे कि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि क्षेत्र, संप्रदाय, जाति, उसको बिल्कुल एक तरह से जहर बताया है कि देश को तोड़ने के लिए। लेकिन आज स्थितियां क्या है? मैं आपको यही कह रही हूँ, कास्टिज्म। देखिए अगर आपको याद हो, ये सरनेम्स जिसे कहते हैं, ये अंग्रेजों ने स्टार्ट किए थे। हमारे तो यहाँ सरनेम ही नहीं होते थे। तो जो सरनेम है ये इंग्लिश लोगों ने स्टार्ट किए जब वो हम पे रूल कर रहे थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सरनेम, कास्ट, कुछ एवरी रिलीजन, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो, आपका एक ही स्तर है। इट इज 100% इक्वालिटी। जो इक्वालिटी नहीं है वो सोसाइटी में है। सोसाइटी आज भी मानता है कि ये ब्राह्मण है, और आज भी गाँव के अंदर एक निचली जात वाला घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, उसको उतार देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सोसाइटी का मैलिस है, ये सोसाइटी का कुप्रथा है। हमारे देश में तो कोई भी, अगर आप रेफ्यूजी बन के, जिसे कहते हैं सीए का, मैं समझ ही नहीं पाई कि लोग सीए का समर्थन क्यों नहीं करना चाह रहे। सीए का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश की नागरिकता जा रही है, ये हमारे देश की नागरिकता छीन नहीं रहा, ये तो लोगों को नागरिकता दे रहा है। नहीं, ये ऑब्जेक्शन भी नहीं है किसी को, नहीं ये ऑब्जेक्शन। अब देखिए जब दो कंट्रीज हमारे देश से स्प्लिट होती हैं, दैट इज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश तो बिकम्स लेटर ऑन, पहले पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। इस संविधान में सीए में 3 कंट्रीज बोली गई हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये तीनों इस्लामिक कंट्रीज हैं। हमारा संविधान कहता है हम सेक्युलर कंट्री हैं। जब ये लोग हमारा देश विभाजित हुआ था 1947 में, चलो ये तो 50 के पहले की बात हो गई, तो 2 नेशन थियरी पे विभाजन हुआ था। जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम्स पाक देश में रहना चाहेंगे क्योंकि उनको वहां पे आजादी मिलेगी, हिंदुस्तान में तो माइनॉरिटी में है, तो ये खतरे में है। आपको पता है उस जमाने में मुसलमानों की क्या माइनॉरिटी थी इंडिया के अंदर, और आज मुस्लिम्स कितने हैं इंडिया में, और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज थी वो कितनी हैं आज। तो हिंदुस्तान या कोई भी कंट्री, अगर जस्ट बिकॉज वो मेरा देश है तो हम उसको गलत बोलते हैं। हमने किसी को मना नहीं किया। आज अदनान सानी मुसलमान है, वो पाकिस्तान का है, उसने सिटीजनशिप राइट मांगी है हिंदुस्तान में, उसको मिल गई। किसी भी मुस्लिम को हमारे देश ने कभी मना नहीं किया कि हम तुम्हें सिटीजनशिप राइट देंगे। हमारे देश ने क्या कहा, नया जो एक्ट है, नया एक्ट है पर्टिकुलर जिसमें रिलीजियस उसमें तय किया गया है, उसके आधार पर आप इस्लामिक कंट्री के अंदर आप ये आके कह रहे हो कि हमें हमारे देश के अंदर हमें डर लग रहा है, हमें रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो भैया देन तो योर स्टेट शुड मर्ज टू विथ आवर कंट्री। If you are unhappy in your state where you are the majority, then you should merge in our country. हमने किसी भी डाइवर्ट हो जाएंगे, मुद्दे से थोड़ा सा डाइवर्ट हो, क्योंकि इससे मुझे लगता है दर्शक बहुत तप चुके हैं सुन करके। हाँ, इसलिए सीए को, इसलिए अगर आप सीए को हटाना चाहेंगे, नहीं मैं हटाना नहीं, नहीं लंका को, श्रीलंका का नाम क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम स्टेट नहीं है, वहाँ पे पीड़ित नहीं है, तमिल यहाँ पे आकर के बसे। बिल्कुल, तो ये तो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज, जूस, कोई भी आ सकता है। मगर इस्लामिक कंट्री का मुसलमान अपने देश में अगर असुरक्षित है तो इसका मतलब है उसका देश किसी को आराम दे ही नहीं सकता। हमारे देश की नागरिकता नहीं छीनी जा रही। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वापस कहना चाहूंगी कि बहुत और हमारे पड़ोस में श्रीलंका भी है, बिकॉज इस्लामिक स्टेट। चलिए मुझे तो एक बात बता दीजिए, खैर देखे हमें भटक जाएंगे, ठीक है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान में सभी हिंदुओं के साथ में न्याय हो रहा है, अत्याचार नहीं हो रहा? देखिए हिंदुस्तान के अंदर पहली बात तो हमारा देश भारत तो यहाँ देखिए जाति, मैं तो बिलीव नहीं करता, लेकिन हाँ। जातियां देखिए आप ही ने कहा कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने करके दिए जाते, ये क्या है? पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा अधिकार, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना नहीं कर रहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भेदभाव नहीं करता। जी आप कुछ कह रही है, सुमित्रा सिंह जी कुछ कह रही है बीच में अभी। मैं तो यही कह रही थी कि आप जो बात कह रही थी अभी, तो हमारे पड़ोस में तो श्रीलंका भी है, रोहिंग्याज भी आए हैं, उनके तो किसी का नाम नहीं है, उसमें नहीं लिखा, केवल 3 कंट्रीज के जिसे कहना चाहिए। चलिए शीलता भाई जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जातिवाद, धर्म, क्षेत्रवाद, इसको लेकर के बाकायदा साफ लिखा हुआ है संविधान में, हम कहते भी हैं ये, लेकिन राजनीतिक दलों को चुनाव के वक्त, चुनाव का जिक्र इस वजह से मैं कर रहा हूं अभी यहाँ पे कि चुनाव जब होते हैं, टिकट मिलता है, सांसद या विधायक बनते हैं, वही हमारे माननीय होते हैं, तभी हमारा जो सिस्टम है वो गवर्न होता है। क्यों चुना जाता है? कहा तो ये जाता है जब शपथ लेते हैं तब भी नहीं होती, लेकिन आज भी जाति के आधार पे आप मंत्री बनाते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे आप टिकट बंटवारा करते हैं। ये हमारा स्टेटस रह गया लोकतंत्र का। कहां हम आए बढ़ते हैं कि हाँ हम बहुत बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हम रहने वाले हैं, कहां है? नहीं देखिए सबसे बड़ी तो शुरुआत वहीं से होती है। नहीं देखिए योगेंद्र जी, सब जगह टिकट वितरण ऐसा होता हो ऐसा नहीं है। हाँ ये बात नहीं होता ही ऐसा ही है। नहीं मैं बता रही हूँ, किसी की किस्मत है कि अगर कोई बचा हुआ है तो नहीं देखिए यही है वोट बैंक। राजनीतिक दलों में आपने बात कर, राजनीतिक दलों का तो गठन हो गया जाति और क्षेत्र के आधार पर। नहीं देखिए योगेंद्र जी, जो व्यक्ति जिसको कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है वो ये मानते हैं कि मतलब इसमें इतनी पावर है कि इतनी जितनी पर्टिकुलर उसके जात के जितने वोट हैं वो उनको ले सकेगा। एक 1% ये आधार होता है, बाकी वोट सबको चाहिए, सारी समाज, एक समाज से कोई नहीं चाहिए। नहीं देखिए एक समाज से कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता, और वोट तो हम दे रहे हैं, वोट तो हम दे रहे हैं, वोट तो हमारे मतलब एक राष्ट्र से कोई नेता नहीं बन सकता। अरे नहीं बनता तो हम भी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बन सकता। आप तो ये बताइए कि लेकिन क्षमता होनी चाहिए, ये सोच क्यों? ये हाँ निशा जी को दीजिए आप एक बात कह रहे हो यहाँ नहीं, कौन से क्षेत्र में कौन सी जाति का, जैसे मान लीजिए आपने एक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हवा महल क्षेत्र ले लेते हैं, वहाँ ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है वो, तो यानी कि वहां पर वोट केवल उसको जो टिकट है वो केवल ब्राह्मण को दिया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इस टिकट के ऊपर ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है वो तो इकट्ठा होगा ही होगा। उसके अलावा शुरुआत नहीं देखिए, मैंने कहा मैं इसको 1% मानती हूँ, क्योंकि ये देखिए संविधान को हम संविधान नहीं देखिए जो जाति का बहुत बड़ा महत्व है, जाति के वोट मिलते हैं बिल्कुल। तो मैं कह रही एक ये इसमें ये दिमाग में रखा जाता है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो सबसे पहला लक्ष्य होता है जीत, किस तरह से एक कैंडिडेट मतलब, लेकिन हारने के लिए नहीं। लेकिन कोई पार्टी जब टिकट वितरण करती है तो यही करती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे तभी सरकार का गठन होगा, तो उसमें एक आधार ये भी होता है। मान लीजिए हम ऐसे कैंडिडेट को चुने कि जिनकी इतनी गुडविल होगी, कहीं किसी भी एरिया से खड़ा कर दो तो वो अपना वोट बैंक लेकर आ सकते हैं, अपने वोट ले सकते हैं, जीत सकते हैं। वोट मिलते थे 3 चुनाव में तो पार्टी के आधार पर वोट मिलते थे, और अब जाति के आधार पर। देखिये मैं मेरा ये सवाल, देखिये मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब राजनीति में जो व्यक्ति आता है उससे आगे भी चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है तो उसको अपना एक आधार बनाना है। आप तय मान के चलिए कि हम इंसान हैं, हम हमारे हित पहले रखते हैं। मैं हितों की बात कर रहा हूं, संविधान में कहीं इंडिविजुअल जिस आपके क्या कहें उसकी सोच का अगर कहीं इफेक्ट आता है तो उसको साइड में करना चाहिए। अगर आज मैं किसी पर्टिकुलर जाति से हूं, मुझे मंत्री बना दिया, मंत्री बनने के बाद मेरी कोशिश होगी कि उस क्षेत्र में मेरी जाति के लोगों को मैं पहले प्रमोट करूं कि अगली बार वोट भी मुझे उन्हीं से लेना है। तो खतरा तो यहीं से आपके संविधान को पैदा कर रहे हैं, जिन लोगों के हाथों में संविधान को संभालना है वो वहीं से शुरुआत होती है। दोबारा चुनाव जीतना है वो तो ऐसा नहीं करता, नहीं, देखिए नहीं करे साहब, कहीं ना कहीं ख्याल ये आता है कि चलिए मुझे जाति के आधार पे बनाया गया राजस्थान में, उन लोगों को आज क्यों होता है सब चर्चा करने के लिए, गुजरों का आंदोलन होता है, छांटते हैं कि चलो गुजर नेता कौन कौन जाइए उनको समझाने के लिए, क्यों दूसरे लोग भी जा सकते हैं, भरोसा रखिए उन पे। नहीं देखिए योगेंद्र जी, समय के अनुसार जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, जो सामाजिक परिवेश हो रहे उनको देखते हुए उसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और सत्ता प्राप्ति के लिए ये भी एक देखिए आप लोगों का सिस्टम है और ये मेरे के कहने से सुधर भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि हम जिस गणतंत्र दिवस पर संविधान की चर्चा करें, वो बहुत पवित्र ग्रंथ है, मुझे लगता है कि वही हमें वो अधिकार देता है कि आप खुले में नमाज पढ़िए, आप मंदिर में किसी भी वक्त जाकर के टंटन बजा करके भगवान को याद कर सकते हैं, संविधान देता हमें अधिकार। एक उदाहरण तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये वह पवित्र कुरान, गीता, महाभारत, बाइबल सब है उसके अंदर, सबका समावेश है उसमें। तो जब हम उस ग्रंथ में हमारी सोच ईमानदारी से, नहीं मैं भगवान के मंदिर में जा रहा हूं, देख रहा हूं ऑफिस का टाइम तो हो गया, बाथरूम से मैं हनुमान चालीसा शुरू कर रहा हूं, मेरी नियत ही नहीं है कि मैं भगवान के प्रति समर्पित भी रहूं, तो वहां से शुरुआत तो करिए। तो हमें वोट क्यों देना चाहिए? नहीं ये क्यों नहीं देना चाहिए, बिल्कुल वोट देना चाहिए। लेकिन देखिए मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन पब्लिक कहती है, पब्लिक के व्यूज हैं। आज मुझे इस बात का दुख भी होता है कहने के लिए, कई बार सुनते हैं आप लोग सुमित्रा सिंह जी, ये कड़वी सच्चाई जो आपको सामना करना पड़ता होगा कई बार बातों के अंदर। लोग ये कहते हैं कि एक चोर है एक दूसरा डकैत है, किसको दें? नहीं कहते हैं एक चोर एक महाचोर, बताइए किसको दोगे? तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो संविधान को बचाने की चर्चा हम करते हैं, सब कुछ है, एक दिन के लिए स्पीच भी दिया जाएगा कि बहुत ही बिल्कुल हमारी सब आत्मा है, इसकी प्रस्तावना में ये लिखा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र, सब चीजें हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, इक्वलिटी के राइट्स हमें मिले हुए हैं। बात एक अलग है कि वो मिल नहीं पा रहे हैं। मैं निशा जी, समय कम है मेरे पास में, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो हमारी चर्चा है वह हम ये चाहते हैं कि संविधान जो हमें अधिकार देता है उसके साथ साथ लेकिन हमारा कर्तव्य भी है। आज क्यों कहना पड़ रहा है कि आप अपनी गली को साफ रखिए, आप ओपन में कोई सोच नहीं जाएगा, ये लोटा पार्टी कब बंद होंगे? भी गांव में ओडीएफ लिख दिया लेकिन अभी भी चल रहे हैं। तो ये इक्वलिटी सब जगह होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि कुछ हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं जिसमें संविधान, सरकार और कोई भी पार्टी या प्रशासन उसमें हमारी मदद नहीं कर सकता, वहां हमें मदद अपनी स्वयं करनी होगी। हमें सोच भी पहली चीज भी बताइए। अभी हमारी ड्यूटीज भी है, हम अब जिस तरीके से अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, लोगों को बहुत ऐड करके ये सब बता कर चिल्ला कर कहना पड़ रहा है कि अपने एरिया को साफ रखिए, कचरा बाहर मत डालिए, शौच बाहर मत जाइए, दीवार के पास में टॉयलेट मत कीजिए, टॉयलेट्स इतने सारे बना दीजिए। वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी जो हमें खुद को समझ लेनी चाहिए थी। लेकिन आज शायद हमारी चर्चा बहुत सारे मुद्दों पर हो चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा शायद हमने छोड़ दिया है। हमारे संविधान में एक आरक्षण जैसा शब्द दिया गया है जिसने आज के युवाओं के जीवन को शायद दूभर कर दिया है। संविधान बना था जब तो नहीं था, जब नहीं था, लेकिन आज जो आरक्षण जो चीज है ना, वो आपने अनुश्री से एक सवाल किया था कि युवा है और ये रास्ता रोकते हैं। तो रास्ता आज जब यूथ आज का नौकरी मांगने के लिए जाता है क्योंकि उसके पास में और कोई रास्ता नहीं बचता है कि अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, इसलिए वो रास्ता भी रोकते हैं, आरक्षण उसका विरोध भी करते हैं और किसी भी दरवाजे पर गुहार लगाने के लिए वो सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर जाते हैं। लेकिन बदले में उनको क्या मिलती है? केवल लाठियां या फिर उनको अरेस्ट किया जाता है। तो हमारे संविधान में जहां एक साथ सबको अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं या बहुत सारे ऐसे डिग्रीधारी लोग हैं जो आरक्षण के उसमें नहीं आते हैं अंडर में, और उसके बाद में वो कहीं ना कहीं MBA के वे आज रिक्शा चला रहे हैं, हमारे देश की विडंबना है या कहीं ना कहीं हमारे संविधान की विडंबना है। और बहुत चीजें 3rd ग्रेड में अगर विरोध अपने अधिकारों के करिए हाँ। नहीं, सरकारी संपत्ति को नुकसान करना वो गलत है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है, लेकिन अपने अधिकार के लिए, क्योंकि आंदोलन ही वो माध्यम था जिसके जरिए हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, आंदोलन के माध्यम से ही मिली थी। वो तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन कारण क्या है कि हालांकि मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि आप रास्ता मत रोकिए, बिल्कुल मत रोकिए, आप किसी की गाड़ी अगर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ में इस तरह का होना चाहिए कि आज युवाओं को ये रास्ता ना अपनाना पड़े। लेकिन अरे साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज हम सबको लगता है कि लेकिन राजनीतिक दलों को भी देखना चाहिए कि रास्ता रोका, लोगों की गाड़ियां तोड़ी, मुकदमों को वापस ले लेते हो। नहीं, उन मुद्दों को ऐसी स्थितियां बनती ही क्यों है कि वो रास्ता रोका जाए। यूपी में योगी जी ने जो स्टेप उठाया, जिन्होंने नुकसान किया उनसे लेना चाहिए पैसा। नहीं बिल्कुल भरपाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा एक बात, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए वो रास्ता होना चाहिए कि वो उस स्थिति तक ना पहुंचे। मैं जानना चाहता हूं कि आज भी महिलाओं को क्या फेस करना पड़ता है कि संविधान प्रदत्त शक्तियां वो मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे महिलाओं को आज भी पार्टियां चाहे कोई भी हो, आज वो कहते हैं कि हम महिलाओं को टिकट्स देंगे, वितरण हम महिलाओं को भी देंगे, लेकिन आप जब बात आती है टिकट वितरण की तो महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता, 1% भी नहीं। आज भी आप विधानसभा में देखेंगे तो सब जने आपको पुरुष ही दिखाई देंगे, उसमें से कुछ ही गिनी चुनी महिलाएं दिखाई देंगी। तो ये चीज है कि जब राजनीति में सहभागिता महिलाओं की नहीं होगी तो महिलाओं की परेशानी, उनकी समस्याएं नहीं समझ पाएंगी। हाँ नीचे जो है, लेकिन सरपंच की स्थिति ये थी कि सरपंच बन गए जो साइड में बैठे हैं, वो जेंट्स बैठे हुए टेबल के ऊपर और वो सरपंच हुई है जो घूंघट निकाल कर बैठी हुई है और उनकी बात कोई मानता नहीं है। और असेंबली और पार्लियामेंट में होना चाहिए बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि संविधान लागू हुआ, हमें वो तमाम शक्तियां मिली, अधिकार मिले, एक सिस्टम मिला जिसके जरिए हमारे मुल्क को चलाना था और चल रहा है, लेकिन आज भी इसमें कई पेचीदगियां हैं जिसपे हमें वास्तव में गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी तो मैं एक बात कहना चाहूंगा जो आप सब लोगों ने छोड़ी है, अभिव्यक्ति के साथ साथ जो चर्चा, चर्चा की डेफिनेशन बदल गई है। आज अगर मेरे हित में अगर कोई मेरे पक्ष में चर्चा कर रहा है तो मैं हाउस के अंदर मेज थपथपाता हूं, और अगर वास्तव में किसी ने अगर खुलकर के कोई बात कह दी तो वो भाषाएं कुछ अलग दे दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का इससे गला घुटता है। कहने दीजिए, खुलकर के बात कहने दीजिए। पार्लियामेंट और असेंबलीज में जो चर्चा होती है उनमें से कई चीजें ऐसी भी आती हैं कि जो अपोजिशन के लोग जो बात कहते हैं उसे माना भी जाता था, लोग मिलकर के मेज थपथपाते हैं। वो दौर खत्म हो रहा है। तो लोकतंत्र में ये सब चीजें बर्दाश्त के बाहर है, होना नहीं चाहिए। हो सकता है कि विरोधी के सुझाव भी कुछ अच्छे हो सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुद्दा कोई भी हो, अगर हम खुलकर के चर्चा नहीं करेंगे तो हम संविधान का गला घोटते नजर आएंगे। और ये मकसद कभी संविधान निर्माताओं का नहीं था कि हमारी स्थितियां ये बने। लोकतंत्र में जो सिस्टम बना वह सिर्फ इसी वजह से बना था कि लोग अपने अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे। एक सिस्टम ऐसा बनेगा जिसमें सबकी आस्था होगी और अपने हित नहीं टकराएंगे। हित टकराएंगे तो निश्चित रूप से जिन पर चर्चा की उस तरह के हालात बनते चले जाएंगे जो बनने नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।